वेलकम टू एवरीथिंग माय जीजस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं चार पवित्र वचनों के बारे में, जिन वचनों को अगर आप सोने से पहले पढ़ते हैं तो आपके जीवन में कभी बुरा स्वप्न और आपको कभी बुरी आत्माओं का प्रवेश नहीं होगा और आप बुरे स्वप्न या किसी प्रकार के बातों से आप डरेंगे नहीं, परेशान आप कभी नहीं होंगे और आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं डरेंगे। डर भय और अनेकों प्रकार के चीजों से आप दूर हो जाएंगे, आप कभी डरेंगे नहीं। तो चलिए उन पवित्र वचनों को पढ़ते हैं। उन वचनों के आधार पे तो भजन संहिता 121 के 3 पद में कहता है, वह तेरे पांव को टालने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उघेगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन कहता है कि वह तेरे पांव को टालने नहीं देगा, वो हर समय है जो आपको रक्षा करेगा। और 4 पद में कहता है, सुन इज़राइल का रक्षक ना उघेगा और ना सोएगा, और परमेश्वर पिता ना कभी वो ऊँघते हैं और ना कभी सोते हैं। सो वो कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे नाम लेकर के तुम प्रार्थना कर करके तुम सो, जितना बोझ है, जितना तुम्हारे ऊपर चिंता फिक्र है, सब मुझ पे सौंप करके सो। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं और जब उनको नाम लेकर के जब हम सोने के लिए जाते हैं, कहते हैं हे पिता, हम सोने के लिए जा रहे हैं, आप हमें संभालिए, आप रक्षा कीजिए, तो वो वचन कहता है कि वो तेरे पांव को कभी टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी उंगेगा नहीं, वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। जैसा कि हम भजन संहिता 91 में देखते हैं, भजन संहिता 91 के 4 में कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। सो मेरे प्रियो, जब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके परमेश्वर के सारे बोझों को देते हैं और कहते हैं पिता आप हमें बचाइए, तब वो है जे अपने पंखों में छुपा लेते हैं। जो भी परेशानी या कुछ भी विपत्ति या रात को कुछ ऐसी अनहोनी बातें होते हैं तो उसमें परमेश्वर पिता है जे अपने पंखों की आड़ में लेते हैं और हम आपको अपने पैरों के अपने शरण में है जे हम आपको ठिकाना देते हैं, क्योंकि उनका सच्चाई है जे हमारे लिए वो ढाल का काम करता है और झीलम है जे ठहरता है। जैसा कि हम नीति वचन 3:24 में देखते हैं तो कहता है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि जब हम आप लेटेंगे, जब हम आप सोते हैं और उनसे प्रार्थना करके सोते हैं कि पिता तू संभाल, पिता आप हमें अच्छा नींद दीजिएगा, शांति का नींद दीजिएगा, हर एक बुराई स्वप्न से, हर एक बुरी आत्माओं से, हर एक बुरे चीज़ों से आप हमें बचाइएगा, तब वो वचन कहता है कि तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख के नींद आएगा। और जब हम उनके ऊपर सारा चीज़ सौंप देते हैं तो वो है जे सुख के नींद, आनंद के नींद, चैन के नींद है जे आता है। जैसा कि भजन संहिता 91:6 में देखते हैं, कहता है वचन, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिये में उजारता है। सो यहाँ वचन कहता है कि न उस मरी से जो रात को फैलता है उससे भी परमेश्वर पिता बचाते हैं और उस महारोग से जो दिन दोपहरियों को उजारता है उससे भी परमेश्वर पिता है जे सुरक्षा करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब ये वचन को पढ़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तब जैसा कि भजन संहिता 91:7 में कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। सो जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं और जब उनके वचन को पढ़ते हैं और सब कुछ उनके ऊपर सौंपते हैं कि पिता हम सोने जा रहे हैं, आप इस सारी चीज़ों से रक्षा कीजिएगा, तो वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता है जी वो रक्षा करते हैं। जैसा कि भजन संहिता 91:8 में कहता है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। और आप है जे देखेंगे किसे, लोग है जे परेशान है, लोग है जे बेचैन है, क्योंकि वो परमेश्वर को नाम नहीं लेते हैं, वो परमेश्वर के
वो प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, इसलिए वो सारी विपत्ति से उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिलता है। लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ोगे और आप जब प्रार्थना करते हैं, अपने सारे बोझों को प्रभु के ऊपर सौंपते हैं, तो वो सारी चीज़ों सहजे छुड़ाता है। जैसा कि भजन संहिता 91:10 में कहता है वचन कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सो मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के हाथ में पूरी समर्पित करते हैं, कहते हैं पिता मैं सोने जा रहा हूँ, पिता आप हमें अच्छी नींद दीजिए, बचाइए, हम नहीं जानते पिता रात को क्या होने वाला है, क्या मेरे जीवन में, क्या मेरे परिवार में, क्या मेरे घर में, ये सारे चीज़ों को जब हम परमेश्वर पिता को सौंप देते हैं, तो सारे जो अनहोनी जो चीज़ें हैं, जो हम आप नहीं देखते हैं, जो हम आप सोने के बाद नहीं मालूम चलता है, उस सब से परमेश्वर पिता बचाते हैं। और वो इसलिए बचाते हैं क्योंकि जब हम उनके नामों को जपते हैं और उनको नामों को गुणगान करते हैं और उन्हें पुकारते हैं। सो मेरे प्रियो, ये आज का जो वचन है, इस वचन से आप चार जो वचन है, इसे वचन को पढ़ें प्रतिदिन, रोज है जे रात को सोने से पहले इसे पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु आपको जीवन में जे आनंद खुशी और हरेक बुरी आत्माओं से, हरेक बुरे स्वप्न से आपको जरूर सुरक्षा मिलेगा और आप है जे प्रभु को आशीष को देख पाएंगे। तो धन्यवाद करते हैं वीडियो में बने रहने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और पवित्र आत्मा के बहुतायत से भर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।